हल्का हल्का चला गया सर, प्रणाम सर, हल्का हल्का लंबी गहरी सांस बनाएंगे, डीप इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, बैक करेंगे इस तरीके से, देखिए फ्रंट आना चाहिए, नी फ्रंट इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैक साइड करेंगे, 1 2 बैक साइड, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 प्रणाम सर, 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप इनहेल एक्सहेल, इस तरीके से मूव करेंगे हल्का हल्का राइट टू लेफ्ट, बहुत धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे, 1 2 देखिए कमर से नी और आपके काप मसल्स पूरा घूमना चाहिए, 5 6 7 8 9 10 11 पूरा मूव कीजिए, पूरा मूव, 12 13 14 15 चेंज करेंगे 15 से, बहुत धीरे धीरे पूरा सर्कल बनाने की कोशिश करें, पूरा सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट 5 4 3 देखिए कमर, देखिए आज जब इस तरह से लेके जा रहे हैं आप खुद फील करिए किस मसल्स पे आपको खिंचाव फील हो रहा है, हम ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो फिर आपको देख रहे हैं किसी मसल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, मूव करिए अच्छे से इस तरीके से, 5 4 3 2 1 रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप इनहेल, अभी कमर से नीचे का हिस्सा बेंड किया, अब इस तरह घुमाएंगे इसे पीछे, 1 3 घुमा करेंगे इसे, 5 जिसकी कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, विशेष ध्यान देना वो अपने अनुसार करें, बहुत ही धीरे धीरे, कमर में ज़्यादा तकलीफ है वो आगे कम झुकें, बैक में ज़्यादा जाएं जिस तरह जा सकते हैं, लास्ट 5 4 3 नीचे जब आते हैं ना स्पाइन से बिल्कुल 90 एंगल से जाए, 2 1 रिवर्स करेंगे इसी का, रिवर्स करेंगे इसी का, 1 2 अच्छे से, 3 4 5 6 7 8 9 10 डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे यहीं पे, लंबी गहरी सांस लेंगे, पैर में गैप थोड़ा कम करेंगे, इतना इतना रख लीजिए, इतना लेके ऐसे ऐसे हल्का हल्का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स करेंगे, दोनों पैर चला लेंगे हल्के से इस तरीके से, पैर चलाइए पहले पैरों को हल्का हल्का, दोनों हाथों के साथ फुल बॉडी शेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डीप इनहेल, सांसें बनाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए और सांसों को छोड़िए, डीप इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, सांसों को बनाइए, अभी कुछ मत कीजिए, सांसों को बनाइए क्योंकि अगला अभ्यास भी ऐसा है नॉन स्टॉप वाला ही है, इनहेल एक्सहेल, चलिए चेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 by 1 हाँ, हाथों को लेके आना पीछे, माता जी देखिए हाथ ऐसे जैसे सर लेके आ रहे ना ऐसे, 1 2 3 एक आप आ रहा है तो एक बैक जा रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए, जब कोई भी वर्कआउट करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोशिश करें अपने मसल्स पे ध्यान दें, अगर हम कर रहे हैं इस तरीके से, हम मतलब हम अपने मसल्स पे किस एंगल पे हम वर्क कर रहे हैं उसका मूवमेंट होना चाहिए, क्या सही जा रहा है, अब हम देख रहे हैं वो इधर भी जा रहा है पता नहीं चला, हम मूवमेंट कहाँ दे रहे हैं, योग का जितना सही करना फ़ायदेमंद है उतना गलत करना भी नुकसान भी है,
तो हमें खुद देखना है कि हमने टेंथ तो सही किया, पर ये अब हाथ यहाँ की बजाय यहाँ क्यों आ रहा है पेट पे? आना चाहिए यहाँ, तो कमर से ऊपर हिस्सा उठना चाहिए ना। आखिर किस मसल्स पे हम काम कर रहे हैं हमको यही नहीं पता, तो पूरे दिन चलते रहते हैं, पूरे दिन चलते हैं ना। लोगों का मानसिकता क्या है कि मैं तो खेत में काम कर रहा हूँ, मैं दुकान में काम कर रहा हूँ, मैं तो फलानी का काम कर रहा हूँ। एक ढकेल वाला कहता है मैं तो पूरे दिन ढकेली चलाता हूँ, फिर भी उसको तकलीफ रहती है। तो हमें सही मेथड के साथ काम करना है कि आखिर हम किस मसल्स पे काम कर रहे हैं, किस पर जा रहे हैं। प्रणाम सर। वो रखा हुआ था, ठीक है, एक बार फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, एक बार ध्यान रखना। 1 2 3 देखिए सही मूवमेंट के साथ, 4 5 कंटिन्यू, 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत शानदार, देखिए अभी सबने एकदम बढ़िया किया। अब आपको भी फील हो, जब तक तो कोई अभ्यास करें उसका फील ना आए, ट्रांसफॉर्मेशन ना आए, तो फिर कोई मतलब नहीं है। लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप इनहेल एक्सहेल, दोनों हाथ उठाएंगे सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9। कोशिश करें एक साथ रखें सभी लोग हाथ, देखिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक दो ही जो साथ नहीं कर पा रहे, बाकी आप मैनेज कर सकते। देखिए लास्ट 5 4 3 2 बहुत बढ़िया, 1 रिलैक्स करेंगे, डीप इनहेल एक्सहेल, मैट पे चलेंगे थोड़ा देर, मैट पे चलेंगे, इनहेल एक्सहेल, जिस पे जितना बन पाए, 5 तो 5, 3 तो 3, 2 तो 2, 1 तो 1। अगर 10 को 5 बार कर पा रहे हैं तो अभी ठीक है, मतलब 10 काउंटिंग तक हम 5 बार जाएं, यानी कि हम एक बार में, दो बार में एक ही स्टेप कर पा रहे हैं, इतना ही कोशिश करें। लंबी गहरी सांस बनाएंगे, चलिए दूसरे पैर से करेंगे एक साथ, 1 2 3 वन साइड, सिर्फ लेफ्ट लेग को लेके आएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट 10 9 8 7 6। सांसों को छोड़ना, ये ध्यान रखना हाथों के साथ सांसें ड्रॉप करें हम बाहर, लास्ट 3 2 1 डीप इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, दोनों हाथों को लेके आएंगे इस तरीके से, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। अब इसमें भी ध्यान दीजिए कैसे कर रहे हैं, हमारे एल्बो बेंड हो रहे हैं और हमारे राइट लेग से, देखिए अब राइट साइड जा रहे हैं तो लेफ्ट उठ रहा है, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो राइट, हील को उठा के रखना है, जमीन पर टच नहीं रखना बिल्कुल, उठा के रखिए, देखिए पंजे से देखिए ऐसे, एक बार देख लीजिए, अगर लग रहा है सही कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लग रहा है थोड़ा मैच नहीं कर रहा है तो मैच कर लेंगे इस तरीके से, 1 स्पाइन को एकदम प्रेशर में नहीं देना, देखिए 2 3 देखिए हाथ किस तरह बैंड हो रहे हैं, 4 कितना लाइट आपकी स्पाइन बैंड हो रही है, आप आराम से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 रुक जाइए, देखिए आपके पैर में गैप कितना आ रहा है, आप अपना देखिए, आप देखिए अपना अपना कितना कितना गैप बना रहे हैं, देखिए ये ऐसे गया, दोनों हाथ बैंड हुए अच्छे से, फिर यहाँ गया हल्का सा स्पाइन भी बैंड हुआ, ये S4 L5 में इफेक्ट पड़ता है, तो हमें इतना ही करना है, जब स्पीड से करना होगा तो हम स्पीड से करेंगे, खींचेंगे, देखिए जब ये खींचता है ना, जिनकी कमर में दर्द होता है उनको भी नुकसान भी होता है फ़ायदा भी होता है, तो बहुत आराम से करें, इतना हल्का कीजिए, देखिए ये से 1 2 3 बहुत गैप अपने अनुसार, 5 देखिए हाथ सीधे नहीं रख रहे हैं, बैंड 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 सर बैंड, देखिए देखिए इधर देखिए, ये जब फुल करेंगे तब फुल में आएंगे, फुल में आता है ये, आप पूरी तरह बैक में इफेक्ट करते हैं, ठीक है लास्ट 5 4 3 2 1 रिलैक्स करेंगे, डीप इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, सांसें बनाएंगे, अब खींचेंगे, जिनकी कमर में दर्द है, काप मसल्स में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, वो बहुत आराम से और शालीनता से कनेक्शन बना के करें, कैसे देखिए ऐसे गए, ये खींचा, जब आपने शोल्डर पीछे बैक दिया ना, पूरा बैक में प्रेशर पड़ता है, बहुत आराम से करना, देखिए 1 2 3 आइए कंटिन्यू, 4 5 बहुत आराम से, 6 7 हाँ 8 देखिए पैर मुड़ना नहीं चाहिए सर, पैर नहीं मुड़ना चाहिए, ये देखिए आप ना कमर से ऊपर के हिस्से को बेंड कर रहे हैं,
तो कमर से ऊपर हिस्से पे काम करना है। 5 6 7 8 9 10 लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल। अब दोनों हाथों रहेंगे इस तरीके से, इस तरीके जैसे लेके आए 1 2 3। अभी ये देखिए इसमें किस मसल्स पर काम कर रहे हैं, 4 5 शोल्डर से घुमा रहे हैं, 6 7 8 9 10 लास्ट 10 कंटिन्यू 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल, डीप इनहेल, दोनों हाथ को रख लेंगे सामने सामने, लंबी गहरी सांस बनाएंगे, डीप इनहेल, बैक देंगे अपने अनुसार, इतना ही आएंगे जितना हाथ सामने है, बहुत धीरे धीरे बैक साइड 1 बहुत धीरे, आगे हाथ बिल्कुल सामने रखिए बिल्कुल, 2 बहुत लाइट तरीके से ट्विस्ट करनी है कमर को, जिनकी फ्लेक्सिबल वो ज़्यादा भी ना करें, बहुत हल्का करें, 5 6 7 8 9 10 लास्ट 10 9 7 अपने अनुसार 5 हाथ सीधे रखें, 4 3 2 1 धीरे 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 रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेके चलेंगे, बहुत ही बढ़िया अभ्यास पे आने वाले हैं आप, जल्दी सांसों को बना करके प्रणाम सर प्रणाम, लंबी गहरी सांस बनाएंगे, डीप इनहेल चला लीजिए हाथों को, लंबी गहरी सांस बनाएंगे, डीप इनहेल बॉक्सिंग के लिए आएंगे। देखिए बॉक्सिंग का इस तरीके से करना है, दोनों पैर बना के रखिए, 5 और 6 पे जोर करना है, 5 और 6 जैसे कि 5 आएगा 5 6 क्योंकि कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, बहुत ध्यान रखना चाहिए, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, यही एक ऐसे अंग है हमारे शरीर में जो हमको खड़े होने में मजबूर कर देते हैं और बैठा भी देते हैं हमें, इसलिए इन पर बहुत शालीनता के साथ काम करना है। पहले लेना है देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 स्लो में चलेंगे, बहुत प्यारी बॉक्सिंग करनी है, ये अपने दर्द को ख़त्म कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ऐसे करना है, 1 राइट से फिर लेफ्ट से 2 फिर राइट 3 फिर लेफ्ट 4 राइट 5 लेफ्ट 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 वापस आएंगे एक बार रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस। अब आपने देखा अभी, मैं भी देखा, बहुत लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, 5 भी ऐसे हमारे, 6 भी ऐसे ही और 1 और 2 भी ऐसे ही, मैं आपको बोला 1 को लेकर आइए इस तरीके से, 1 देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लेके आना, एक एक मसल्स पे इतनी शालीनता से काम करेंगे, अगर 10-20 काउंटिंग के साथ भी कर लिए ना, फिर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कितना अच्छा आएगा। पहले लेके आए ना राइट, इस तरीके देखिए, देखिए राइट राइट लेके आइए, 1 लेके आइए, 1 देखिए 2 दूसरा पैर ऊपर, फिर राइट 3 फिर 4 बैक 5 वापस 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 5 कहाँ है सर, 5 5 5 फ्रंट नहीं है, बैक फिर 6 बैक, ध्यान बहुत सावधानी से रखना अपने, मैं फिर बता रहा हूँ आपको,
फेस चल कहीं रहा है, हाथ चल कहीं रहे हैं, मालूम चले सामने वाले ने हमें ही घायल कर दिया, हम अपने दर्द को घायल कर रहे हैं। यानी कि कोई सामने है जिसको हम खुद पंचिंग कर रहे हैं, तो ये देखना है कि वो हम पे अटैक ना करे, अटैक इन द सेंस कि हम पे कोई गलत दर्द ना आ जाए हमारे अंदर, गलत कोई इंजरी नहीं आ जाए, इस तरीके से करना। ठीक है, फास्ट करेंगे, फास्ट। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 फेस बढ़ाइए, कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 बैक कहाँ है सर, 5 6 कहाँ है, 5 6 कहाँ है, हम तो सामने मारते नहीं, घायल हो जाएगा वो, घायल नहीं करना है, बैलेंस करना है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू 1 2 माता जी कंटिन्यू जितना कर सकते हैं, 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 last 1 2 3 4 5 6 1 2 3 बहुत बढ़िया 5 6 का है, 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 last 10 सर कीजिए 1 2 3 4 5 5 6 5 6 back 5 6 5 6 continue last 10 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 fast 5 6 1 2 3 4 5 6 relax लंबी गहरी सांस लीजिए। जब आप 5 6 में गए ना, आपने देखा स्पाइन कितना ट्विस्ट हो गई, फिर 6 में गए कितना ट्विस्ट हो रही है, तो हमें एक मसल पर इस तरीके से काम करना है, फ़ायदा मिलना चाहिए हमारे शरीर को। लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप इनहेल एक्सहेल, सांस बनाइए इनहेल एक्सहेल, इनहेल नोज के थ्रो इनहेल और माउथ के थ्रो एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब थोड़ा बैठेंगे, ठीक है, अपने अनुसार जिस पर जितना बैठ पाए उस हिसाब से बैठेंगे। ठीक है, लंबी गहरी सांस लेंगे, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, अभी मैं दिखा रहा हूँ वैसे। लंबी गहरी सांस लीजिए, बैठेंगे हल्के हल्के, ठीक है, धीरे धीरे, जिस पर जितना बन पाए अपने सामर्थ्य अनुसार। जिनको घुटनों में तकलीफ है, स्पाइन में प्रॉब्लम है, वो अनुसार, पैर को फैलाना नहीं है, पैर को फैलाना नहीं, इस तरह के सामने जब बॉडी वेट पीछे ले जाएंगे तो थकान नहीं होगी। आइए बाबूजी, ऐसे 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 देखिए, आप ऐसे जा रहे हैं ऐसे, तो आपने इनको सीधा कर लिया तो फिर पूरा वजन आ जाएगा, वजन नहीं देना, इससे रखिए, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 बहुत बढ़िया सर, 7 8 9 10 धीरे धीरे जाएंगे एक ही स्पीड से और आएंगे दो की स्पीड से, यानी कि एक काउंटिंग पे हम जाएंगे और दो की काउंटिंग में ऊपर आएंगे। ठीक है, लंबी गहरी सांस लेंगे, लीजिए लंबी गहरी, जब तक यहाँ इस योगशाला के अंदर हैं तब तक सांसें यहाँ से लेनी है, यहाँ से शुरू होगी यहाँ के ख़त्म, और यहाँ से शुरू होकर बाहर जाएगी तो यहाँ से ख़त्म, यानी कि लंबी गहरी, जिसके प्राण वायु मौजूद होते हैं ना, कहते प्राण चले गए, प्राण को जाने नहीं देना, प्राण को बनाना है, और बनाना है तो अपने शरीर को इतना जगाना है कि इस एक्सरसाइज से खुद को भगाना नहीं है। बहुत गहरी सांस लेना है, डीप इनहेल लीजिए, अभी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, वापस आएंगे फिर से, डाउन अपने सामर्थ्य अनुसार डाउन, पूरा वेट इनका ना इस पर रखिए, इसे कस के ग्रिप कर लीजिए, गिरेंगे ही नहीं, 5 4 3 2 1 धीरे धीरे ऊपर आएंगे, धीरे 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 रिलैक्स, डीप इनहेल एक्सहेल, इसके 3 फेस करेंगे हम। ठीक है, सामने की फेस एकदम सामने रखे, फेस दोनों हाथों को बिल्कुल डाउन, जैसे खड़े वैसे डाउन, बहुत धीरे धीरे, चेयर पे बैठिए ना जैसे हम चेयर पे बैठते हैं, 1 2 3 4 5 धीरे धीरे धीरे, बहुत ही धीरे, लंबी गहरी सांस, हार्ट डाउन, डीप इनहेल एक्सहेल, फिर से काउंट करेंगे 5 धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे धीरे, कितना बन पाए, 5 तो 5 3 तो 3 2 तो 2 1 2 3 4 5 धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, ऊपर ऊपर, लास्ट 1 लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इस बार हाथों को बंद कर लेंगे, अपने अनुसार जाएंगे जितना बन पाए, लंबी गहरी सांस। एक चीज़ का विशेष ध्यान है, मैं तो इतना बोलता रहता हूँ और थोड़ा बहुत पानी पी के आता हूँ, अपनी अपनी पानी की बोतल जरूर लेके आए,
जब भी वर्कआउट करते हैं एक एक सिप जरूर पिए, उसके बाद करते रहे। हमारा ब्रेन हमारे खान पान से काम करता है। आपने देखा हमने खाना खाया नहीं, शरीर में ताकत आ जाती है, जबकि वो हमारे फूड नहीं तक पहुँच ही नहीं पाता ढंग से। ब्रेन काम करता है, हमने कुछ खाया है तो ब्रेन को इफेक्ट मालूम चल जाता है। ऐसे ही अभ्यास के दौरान रेस्ट करते हैं, रेस्ट तो पानी पी लिया हल्का सा, एनर्जी ऑटोमेटिक आएगी आपके अंदर एक एक सिप के साथ। डाउन डाउन होल्ड। अब देखिए सामने झुक रहे हैं, सीधे हैं अपने आप को, फिर बैलेंस देखिए घुटनों का, 1 2 3 4 5। धीरे 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 बहुत धीरे ऊपर आएंगे, धीरे, वेरी गुड वेरी गुड। लंबी गहरी सांस, डीप इनहेल एक्सहेल, करो चलाइए अच्छे से, बहुत ही आराम से अभ्यास कर रहे हैं यहाँ पे। जिसको तकलीफ हो वो अपना आराम से करे, लगता है 10 नहीं कर सकते हैं तो 5 करें, 5 नहीं कर सकते तो 3 करें, और जो 3 भी नहीं कर पा रहे हैं वो 1 ज़रूर करें। डीप इनहेल, सन सैल्यूटेशन के लिए आएंगे, सांसें बनाइए और मैट के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे सभी लोग। मैट की स्टार्टिंग पॉइंट पे डीप इनहेल एक्सहेल, सांसों को बनाइए, स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाइए। 3 टाइम सांस लीजिए प्रशांत सर, लंबी गहरी सांस और डीप इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, डीप इनहेल। मैट की स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों हाथ उठाएंगे सन सैल्यूटेशन के लिए, फेस अप, दोनों हाथ ज्वाइन करेंगे अच्छे से बहुत ही शालीनता के साथ। यहाँ सांसें बनाइए एक बार, लंबी गहरी सांस और अपने अनुसार पीछे जाइए जितना जा सकते हैं, अपने अनुसार जितना बैंड कर सकते हैं, ज़्यादा प्रेशर ना दें और हाथ के बीचों बीच देखें ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन आएंगे, धीरे धीरे दोनों हाथ हमारे कान से सटे हों, पहले देखिए हाथ देखिए, हाँ वेरी गुड, ऐसे आई बिल्कुल कान से सटे भी होने चाहिए, बहुत धीरे। हिप्स को लगिए सीधा बाहर की साइड, हिप्स सीधा, काप मसल से प्रेशर अपने लग जाएगा। आप जैसे डाउन आएंगे काप मसल्स पे बहुत अच्छा प्रेशर पड़ेगा, होल्ड करेंगे, अपने सामान अनुसार टच कर सकते हैं, टच करें, घुटने पकड़ सकते हैं घुटने पकड़ें, एंकल पकड़ सकते हैं तो एंकल पकड़ लीजिए, रोकेंगे 5 4 3 2 1। अब नी को थोड़ा बैंड कर लेंगे नी को, जिससे हम पूरा हाथ अपने जमीन के सपोर्ट में ले आएँ, और राइट लेग को पीछे ले जाइए, राइट को पीछे, कोशिश करें जो लेफ्ट वाला है इससे 90 का एंगल बनाएं, 90 का एंगल, हाँ रोक के रखेंगे, होल्ड करेंगे, पूरा हाथ जमीन के सपोर्ट में, फेस अप, 1 2 3। कोशिश कीजिए सर, कोशिश कीजिए, देखिए पीछे देखिए, अपने आगे देखिए सर, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पोज में आने की कोशिश करें, जैसे सर खड़े ना, देखिए वेरी गुड, हाँ आप इसको बिल्कुल 90 का एंगल बनाइए, लास्ट 3 2 1। लेफ्ट को लेके जाइए पीछे इस तरीके से, और दोनों पैर को मिला लेंगे जैसे अभी खड़े थे ना, ऐसे ही हील जमीन से टच, हील जमीन से टच, होल्ड करेंगे यहाँ पे, होल्ड, 1 2 3, बहुत बढ़िया, 4 5, हील टच करा दीजिए, हील टच, 6 7 8 9 10। दोनों घुटने बहुत आराम से टच करेंगे सर, बहुत बढ़िया, आप कह रहे थे आपसे होता नहीं है और आपने बढ़िया कर लिया सर, टच करेंगे ऐसे ही, टच करेंगे घुटने, टच, चेस्ट टच, चिंग टच, हिप अप, होल्ड करेंगे यहाँ पे, 1 8 अंग टच रखेंगे, 1 2, हिप अप, थोड़ा हिप अप, थोड़ा हिप अप, 3, हाँ 4, बहुत बढ़िया सर, हाँ 5, पैरों को क्लोज रखिए, 6 7 8, सर पैर क्लोज करिए, उनका पैर अलता सर, पैर क्लोज, 9 10, घुटने सीधा, घुटने सीधा बिल्कुल, पंजे सीधे, वेरी गुड, आप आएंगे बहुत धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे, प्रशांत सर आराम से ऊपर सीधे सीधे दोनों हाथ, वेरी गुड। अब होल्ड करेंगे अपने अनुसार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे, पूरा वजन अपने घुटनों पर दीजिए, पंजों को सीधा कीजिए, थोड़ा आगे और घुटने से उठते ऊपर आएंगे, माउंटेन वो सेम, रुकेंगे थोड़ा देर, 1, बहुत बढ़िया, हील को टच कीजिए सर, हील टच कीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, टच कीजिए हील को, हील हील ऐसे उसको टच कीजिए, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, ओके सीधा कीजिए, घुटने सीधे, वेरी गुड, सीधा कीजिए, अच्छा कर पाएंगे, 5 4 3 2 1, लेफ्ट फ्रंट रखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, फेस अप, जैसे कि बैलेंस हो जाए तो 90 का एंगल बनाइए, माता जी ऐसे लेके आइए, ऐसे लेके आइए, ऐसे पीछे पीछे कीजिए इसको, पीछे
पीछे कीजिए इसको, पीछे इसको पीछे कीजिए आप, आइए हाँ ऐसे, बस बस बहुत बढ़िया, वापिस आइए, रोकिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे ऊपर ऊपर, होल्ड करेंगे 9 8, होल्ड पीछे पीछे रखिए, 7 6 5 4 3 2 1 धीरे धीरे आएंगे कामसिन मुद्रा और रुकेंगे यहाँ पे, लंबी गहरी सांस, एक बार फिर से आएंगे, रिपीट करेंगे फिर से, धीरे धीरे ऊपर, 5 4 3 2 1 धीरे धीरे चेंज करेंगे, धीरे धीरे डाउन डाउन, यहाँ पे रुकेंगे, घुटना सीधा, बहुत बढ़िया, 5 4 3 2 1 लेफ्ट लेग ले जाएंगे फ्रंट, बैक साइड राइट कर लीजिए फ्रंट, फेस अप, 1 2 3 4 5 वापस होल्ड करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 दोनों घुटने टच, चेस्ट टच, किंग टच, हिप अप, हिप अप, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 दोनों पंजे सीधे, पहले घुटने सीधे, चेस्ट अप, धीरे 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 धीरे, फेस अप, 1 2 3 4 5 धीरे धीरे वापस आएंगे, फिर से देखिए पूरा वेट आगे से अपने घुटनों पे, पंजे सीधे, वेरी गुड, हिप अप, दोनों पंजे जमीन में मिला के रखेंगे, फिर से 1 2 3 4 5 राइट लगे थे तो लेफ्ट और लेफ्ट लगे तो राइट, राइट लगे तो लेफ्ट, जो लेफ्ट लगे थे वो राइट, होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1 दोनों पैरों को मिला लेंगे, यहाँ होल्ड करेंगे, रुकेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए फिर से ऊपर ऊपर, यहाँ पर रुकेंगे, 5 4 3 2 1 दोनों हाथ मिला लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे एक बार और छोड़ देंगे दोनों साइड से, धीरे धीरे धीरे, बहुत ही धीरे, हिप इनहेल, अब प्रॉपर बैठ जाएंगे जैसे हम लोग जनरली बैठते हैं, सपोर्ट के साथ, बिना सपोर्ट के साथ, कैसे चाहे वैसे, डीप इनहेल, एक्सहेल करते हुए आराम से सिटिंग, वज्रासन में आ जाएंगे सभी लोग, कोशिश करें वज्रासन में आने की, हल्का हल्का 10 मिनट का एक सर्किल बनाएंगे, वज्रासन में आ जाइए अपने अनुसार, कोशिश करेंगे वज्रासन में आने की, बहुत धीरे धीरे ही किया है सर, नहीं नहीं धीरे धीरे किया है, वो बात अलग है, मुझे पसीने ज़्यादा आ रहे हैं, बादाम का सर है सर, बादाम का सर है, बादाम खाते मूंगफली वाले, लंबी गहरी सांस बनाएंगे, डीप इनहेल, मूंगफली वाले, वो मूंगफली होती है, हाँ लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप इनहेल, अब पूरा शरीर का वर्कआउट हो गया, अब हम सिर्फ रेस्ट करेंगे, सिर्फ हाथों का वर्कआउट करना है, ठीक है, दोनों हाथ खोल लीजिए इस तरीके से, लंबी गहरी सांस बनाइए और धीरे धीरे शोल्डर से चलाएंगे, बहुत धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत धीरे धीरे ऐसे, बहुत धीरे, 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू, 7 8 9 10 हम 4 मिनट और बैठेंगे इसी आसन में, कंटिन्यू करेंगे लास्ट, 5 4 3 2 1 रिवर्स करेंगे, अभी बैक ले जा रहे थे, बैक से फ्रंट ले जाएंगे, बहुत धीरे, जितना धीरे घुमाएंगे ना एक एक मसल्स को फील कर पाएंगे, हम शोल्डर से घुमा रहे हैं या हमारे ये अपना रीच साइड से घुमा रहे हैं या पूरा एल्बो साइड से घुमा रहे हैं या आपका पूरा ये पंजा घूम रहा है इस तरीके से, एक एक मूवमेंट देखेंगे, लास्ट 5 4 बहुत बढ़िया, 3 2
वन, धीरे धीरे हाथों को ऐसे कर लेंगे, नीचे नहीं रखना अभी, 5 मिनट बैठे रहना, 5 मिनट अभ्यास करेंगे हाथों का। देखिए रुक रखिए, सीधा रखिए, एकदम सीधा तान के रखिए, इतना तान के रखना है कि आपको बाहर प्रेस करना है इस तरीके से। 5 4 3 2 1, धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे अंदर की साइड रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों हाथ को भी इस तरीके से कर लेंगे, धीरे धीरे लेके आएंगे यहाँ से सीधा, 1 अच्छे से बंद करेंगे, 2 सांस के साथ, 3 4 5 6, झटका नहीं देना हाथों को, बहुत आराम से खोला है, 7 8 9 10, रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इतना रखिए। अब दोनों एल्बो को नीचे रखिए बिल्कुल सीधा, डीप इनहेल एक्सहेल, यहाँ से क्लोज कीजिए, 1 फिर सामने, 2, बहुत ही छोटे अभ्यास हैं पर इनका फ़ायदा मैं बता रहा हूँ, अगर करने पे आ गए आप रेगुलर 5-5-10 मिनट, उनसे पूछिए जिनके हाथ उठ ही नहीं रहे हैं, जिनके शोल्डर में जाने बरसों से पेन है, उनके लिए इतना अच्छा अभ्यास है तो पूरा आप पैकेज कर रहे हैं, बहुत प्यारा। देखिए ट्रेन करेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ ऐसे खोलेंगे जैसे खुले हुए थे, ऊपर आसमान की साइड रोक के रखेंगे, रोक के रखिए, सांसें बनाइए और सांसें छोड़िए, काउंटिंग तक रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों हाथ को इस तरह क्लोज कर लेंगे और सांस भरते हुए घुमाएंगे, कोशिश करें ऊपर टच करने की, कान से टच करते हुए ऊपर लेके आए और पूरा सर्कल बनाएं, बहुत धीरे धीरे, 1 2 3 4, बहुत धीरे धीरे पूरा सर्कल बनाना चाहिए, एल्बो टच, 5 हाँ 6 ऊपर ले जाइए, 7 बहुत धीरे धीरे, 8 9 10, रिलैक्स करेंगे यहाँ से, लंबी गहरी सांस बनाएंगे, बैक, इसमें विशेष ध्यान दें, जब ऊपर जाते हैं तो सांसों को बढ़ते हुए जरूर जाते हैं, सांसों को किसी भी अभ्यास में ना रोकना है और ना ज़्यादा देर तक छोड़ना है, बहुत आराम से करना है, सांस बढ़ते ऊपर, पीछे से आपको खुद फील होने लगे कि दोनों शोल्डर जॉइंट आपका टच हो रहा है इस तरीके से, लास्ट 6 7 8 9 10, रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ सामने खोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाथ खोल के रखेंगे यहाँ पे, होल्ड करेंगे, होल्ड, 1 2 3 4 5 6, थक जाएं वापस आएं, 7 8 9 10, राइट से लेफ्ट को अंदर की साइड, अभी हमने हाथ सीधे रखे थे थक रहे थे, अब देखिए इसको हम बैंड करें, थकान नहीं रोक दिया, 1 2 खींच कर रखिए, 3 4 5 खींचेंगे नीचे की साइड राइट को, 1 2 3 4 5, अब राइट से लेफ्ट को ऊपर की साइड, 1 2 3 4 5, लेफ्ट से राइट को, 1 2 3 4 5, रिलैक्स करेंगे, लास्ट 1, 1 मिनट रह गई है बस, थोड़ा चार्ज कम है ना इसलिए थोड़ा स्लो जा रहा है इसका टाइमिंग, ठीक है, 1 मिनट रह गई है, लंबी गहरी सांस बनाएंगे, डीप इनहेल एक्सहेल, राइट को उठाएंगे आप, लेफ्ट को उठाएंगे, रिस्ट क्लोज करेंगे राइट से और सिर के पीछे लेके आइए, अच्छे से पकड़ लीजिए, अच्छे से खींच कर रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
राइट को करेंगे लेफ्ट से क्लोज, खींच के रखिए ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ को खोलेंगे आराम से, धीरे धीरे डीप इनहेल, सांसों को जरूर बना के रखें। देखिए मैं इतना करते करते बोलते बोलते मुझे तो अभ्यास हो गया है, पर आपने सांसें छोड़ दी। हम लोग जर्नली में बता रहा हूँ 90% 99% लोग ऐसे करते हैं, आसन के दौरान सांसों या तो रोक लेते हैं या फिर छोड़ लेते हैं, वो पैटर्न को आप बना के रखेंगे ना, मैं बता रहा हूँ थकान तो आनी नहीं है। लंबी गहरी सांस लीजिएगा फिर से, और जब भी यहाँ बैठे लंग्स तक ही लीजिए और लंग्स से ही जाने दीजिए। खुद को फील होगा कि अगर हम जर्नली सांस लेते हैं, प्राणवायु जब धीरे धीरे बढ़ने लगेगी तो आपको भी आसानी होगी। जितनी स्पीड से लेते हैं उसकी दुगनी स्पीड स्लो से छोड़ेंगे, धीरे धीरे। दोनों हाथ को उठाएंगे वन बाई वन, पहले राइट को उठाएंगे, बैक साइड रखेंगे शोल्डर पे, उसके बाद फिर लेफ्ट को, और यहाँ पे मिला के रखेंगे अच्छे से जितना लेके आ सकते हैं। जिनके कंधों में दर्द है, कमर में दर्द है, हमें इसलिए पता ज़्यादातर रहती है इन चीज़ों की क्योंकि हमारे आसपास मिल जाते हैं और वो बताते यही है कि यहाँ अकड़न है, यहाँ जकड़न है, और इतनी आसानी से बोलते सिर्फ सोते सोते हो गया। तो ये हमारे शरीर में अच्छी तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, इस वजह से हो जाता है। मांसपेशियाँ अपनी जगह अकड़ जाती हैं, उनको जो चाहिए मेहनत या खान पान रेस्ट वो हम दे नहीं पाते। खींच करके ऊपर, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, खींच के जितना रख सकते हैं ना आपको फील होगा स्पाइन में, आपके दोनों शोल्डर पे, आपके नेक पे प्रेशर पड़ेगा। जिनको जिनकी कभी कभी हड्डी बढ़ जाती है ना उनको बहुत दर्द होता है, उनसे पूछिए कि बैक पीछे नेक को करने में कितना दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए छोटे छोटे अभ्यास मतलब रामबाण इलाज हैं। रोक के रखिए थोड़ी देर, 5 4 3 2 1। लेफ्ट को सीधा करेंगे, राइट को सीधा करेंगे, दोनों हाथ को रखेंगे इस तरीके से, डीप इनहेल एक्सहेल। देखिए हम लोग रेगुलर कर रहे हैं तो इसलिए सबको पता है अपने अपने अनुसार करना। किसी को हर्निया की दिक्कत है या किसी का ऑपरेशन हो चुका है या किसी की स्पाइन में ज़्यादा पेन है या नेक में किसी प्रकार की इंजरी आ चुकी है, वो बहुत आराम से करें। अब वज्रासन से हम थोड़ा सा उठेंगे उष्ट्रासन के लिए। सभी के पैर थक गए होंगे, देखिए 10 मिनट, अगर आप खाना खाने की बोलो ना 1 घंटे की, कहते हैं घर से कि बस अभी आ रहा हूँ टहल के, और वो पता नहीं 11 कब बजे आते हैं 10 से, टहलते रहते हैं क्योंकि वो रूटीन है हमारा, नियम है, हम कर सकते हैं। पर वज्रासन का अभी कोई अभ्यास नहीं हमारा, इसलिए 10 मिनट में ऐसे कर रहे हैं, खड़े हो रहे होंगे आपको भी फील होगा। तो ये पूरा पोर्शन ऐसा जाम हो जाता है, मैंने बताया ना कि खाना क्यों डाइजेस्ट होता है, जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और जनरली हम चलते हैं तो वह चलता रहता है। तो इस पर भी आप वर्क करेंगे, आपको फील होगा कि आखिर शरीर में किसका कितना मूवमेंट होता है। कमर पास रखेंगे इस तरीके से, जिनको मैंने बोला ऑपरेशन है, हर्निया है, कमर में दर्द है, किसी की नेक में इंजरी आ चुकी है किसी प्रकार से, वो बहुत आराम से करें, वो इस तरीके से पकड़ें सिर्फ, वो ऐसे जाएं। और जिनको कोई तकलीफ नहीं है वो राइट हैंड को उठाएं इस तरीके से, हिप्स के पास रखें ये सपोर्ट। हर एक आसन में एक एक ऐसा सपोर्ट दिया गया है कि कभी किसी को इंजरी आ ही नहीं सकती है, पर हम लोग गलत कर जाते हैं इसलिए इंजरी आ जाती है। बैक जाएंगे अपने अनुसार, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। ये भी ध्यान रखना है कि जब भी किसी आसन में हम जाते हैं आगे की साइड तो सांसें छोड़ते हैं, पीछे की साइड आएंगे तो सांसों को बढ़ते हैं। बैठ जाएंगे एक बार फिर से, डीप इनहेल, दो बार सांस लीजिए और सांसें छोड़िए। एक बार फिर से वापस आएंगे इसी आसन में, किसी आसन में हमें अभ्यास नहीं है तो बराबर ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे और पंजे के पास यानी कि पंजे को खड़ा रखेंगे, हील पे सपोर्ट दीजिए। जो कर सकते हैं तो पूरी तरीके से करें, जो नहीं कर सकते हैं वो उससे पहले वाला करें। सपोर्ट दीजिए अच्छे से और फेस अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए फिर से लेफ्ट फ्रंट राइट। जब भी कोई इस योगशाला से अपने सेशन को आधा छोड़ के जाते हैं वो शवासन करके जरूर जाएं, बिना शवासन करे ना जाएं कभी भी। अभी जैसे कि अभी दो लोग यहाँ कर रहे थे, एक लोग वहाँ भी कर रहे थे, आसन किए आसन करके चले गए, बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए शवासन करके ही जाएं, चाहे 1 मिनट का करके जाएं, जाने से पहले 2 मिनट अपने आप को दे दीजिए। अब धीरे धीरे हम जाएंगे शशकासन में, धीरे 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 शशकासन में जाएंगे, बैठना नहीं है, शशकासन में जाइए।
उष्ट्रासन के बाद आराम से सजगासन में जाइए और होल्ड कीजिए पूरी तरीके से, पूरे हेड को टच कीजिए, हिप को टच कीजिए पीछे और रुकेंगे थोड़ी देर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टिप के जरिए जरिए ऊपर आएंगे, टिप के जरिए ऊपर, अपने टिप के जरिए ऊपर आएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप इनहेल एक्सहेल, एक बार फिर से दोनों हाथों को उठाते ऊपर और धीरे धीरे जाएंगे। जो दोनों पैर खोल के चेस्ट को टच कर सकते हैं वो चेस्ट को टच करें, चिन को टच कर सकते हैं वो चिन को टच करें और होल्ड करें। सशक आसन इतना ताकतवर आसन है, डिप्रेशन को भी ख़त्म कर देता है। अब सोचिए डिप्रेशन इससे कैसे ख़त्म होगी? अगर मैं कहूँ तो आप इस सशक आसन में खुद से इस धरती माँ के इस सहयोग से बात कीजिए कि आखिर वो इस संसार का कितना कष्ट, कितना दर्द, हमारे कितनी गतिविधियाँ को झेलती हैं। तो ऐसे ही सशक आसन हमें सिखाता है कि हमें किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन नहीं लेना, एकदम कोमलता के साथ अभ्यास करना है। बहुत धीरे धीरे आई टिप के जरिए ऊपर, धीरे धीरे जोड़ता है हमसे खुद को। बहुत धीरे धीरे दोनों हाथों को आराम से लेंगे, सपोर्ट के साथ रख लेंगे नीचे। अब बाएं साइड या दाएं साइड से सपोर्ट लीजिए, पहले एक पैर को खोलिए, उसके बाद दूसरे पैर को खोलिए फ्रंट। अब देखिए घुमाइए कितना हार्ड हो रहे होंगे, करत करत अभ्यास सीखते जाएंगे। सर आपने कुछ बताया था, कुछ बताया था आपने, सुजान इतना करने से अगर आ जाती है थोड़ा और करेंगे तो कितना आ जाएगी सर? हम लोग बस करते हैं, जानते हैं, पर उतना कर नहीं पाते हैं, पर कोशिश करेंगे। मैं कहता ना एक दिन शुरू करेंगे पर एक दिन जरूर होगा। लंबी गहरी सांस लेंगे और डीप इनहेल करेंगे और पेट के बल लेट जाएंगे सपोर्ट के साथ, सपोर्ट के साथ पेट के बल आ जाइए जनरली। बहुत धीरे धीरे दोनों हील को अंदर की साइड करेंगे, पहले लेफ्ट फिर राइट, फोर हेड टच। मकर आसन में लेट जाएंगे, बहुत ही आराम से फोर हेड टच रखिए, पहले लेफ्ट फिर राइट, उसके बाद फोर हेड, हील को अंदर। सांसों को फील कीजिए, अपनी सांसों को फील करेंगे, हील को अंदर कीजिए, अपनी सांसों को आते हुए और जाते हुए देखिए, कोशिश करेंगे सांसों को आते हुए और जाते हुए देखिए। ऐसे गैप बना के रखिए पैरों में, पैरों में गैप बना के रखिए, वेरी गुड। सांसों को आते हुए और जाते हुए देखिए, रिलैक्स। अभ्यास भी हमें लगता है होना चाहिए, रेस्ट भी हमें लगता है होना चाहिए। हम प्रॉपर ना तो रेस्ट कर पाते हैं ना प्रॉपर अभ्यास, रेस्ट में भी लगता है हलचल करते रहें, जबकि रेस्ट करेंगे ना रेस्ट में अपने आप को फील करेंगे, हाँ अब कुछ आसन किए फील हो रहा है। सांसों को आने दीजिए, सांसों को जाने दीजिए। जब मकर आसन करें या शवासन करें कोशिश करें अपने आप को यहीं पाएं, अपने मन को कहीं भी जाने ना दें। धीरे धीरे लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जिस पोजीशन में ऐसे ही लेटे रहेंगे अभी, दोनों पैर को ज्वाइन कर लेंगे, दोनों पैर ज्वाइन कर लीजिए, गैप कम कर दीजिए, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, सांस भरते हुए जिस पोजीशन में ऐसे ही सांस भरते ऊपर, पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ पैरों की पोजीशन चेंज करेंगे। पैरों का गैप कम कीजिए प्रशांत भैया, फेस अप डाउन, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन, फोरहेड टच रखेंगे, इनहेल एक्सहेल, सांस भरते हुए फिर ऊपर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, फेस अप रखिए, दोनों हाथों को सीधा रखिए, धीरे धीरे फिर से डाउन, फोरहेड टच, सांस भरते हुए फिर रिपीट करेंगे ऊपर, सांस भरते ऊपर आएंगे, फेस अप रिलैक्स करेंगे आप थोड़ी देर और धीरे धीरे फिर से आएंगे वापस, बहुत धीरे धीरे, जितना स्पीड से आते हैं उसकी दुगनी स्पीड स्लो नीचे आएंगे। सांस भरते हुए छोड़ देंगे, अब थोड़ा अप एंड डाउन आएंगे, अप अप डाउन अप
डाउन अप डाउन अप 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 डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन जाएंगे डाउन, रिलैक्स करेंगे एकदम, दोनों पैरों को बाहर खोल लेंगे, हील को अंदर, फोर हेड डाउन, दोनों पैर ज्वाइन कर लेंगे, दोनों हाथ खोल लेंगे सामने सामने खोलेंगे, दोनों हाथ यहाँ रुकेंगे, पैर जमीन पे होल्ड करेंगे, वन टू थ्री, पैर जमीन पे रखेंगे, हाथ उठा के रखेंगे, हाथ उठाइए, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, डाउन, रिलैक्स करेंगे यहाँ पे, इनहेल एक्सहेल, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, दोनों हाथ को फिर से खोलेंगे, दोनों हाथ खोल लीजिए और दोनों पैर को ऊपर उठा लीजिए, होल्ड करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, धीरे धीरे डाउन, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे, बाएं साइड से करवट लेके लेट जाएंगे, पीठ केवल बाएं साइड से करवट लेके लेट जाएंगे, शवासन कितना लेट जाएंगे पर जाएंगे नहीं, शवासन में भी लेटे रहेंगे बस, लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप इनहेल, ज्ञान मुद्रा बना लेंगे, वस्त्र का प्राणायाम करेंगे, धीरे धीरे अब जैसे कि विंटर आ रहा है, मौसम बदला है, हमें लगता है हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं जा सकते आज, तो हमें अपने बेड पे भी लेटे लेटे प्राणायाम कर सकते हैं, ये उनके लिए जिनको तकलीफ रहती है आने जाने में प्रॉब्लम है, वो बेड पे लेटे लेटे प्राणायाम कर सकते हैं, वस्त्र का प्राणायाम करेंगे, वस्त्र का प्राणायाम भ्रामरी है, वस्त्र का में आपको सांस भरनी है और सांस छोड़नी है, सांसों को आने दीजिए और सांसों को जाने दीजिए, ज्ञान मुद्रा बना के रहे, सांस को आने दीजिए, सांस को जाने दीजिए, कपाल माती नहीं करनी है सर अभी, वस्त्र का करनी है, सांस को आने दीजिए, सांस को जाने दीजिए, इनहेल एक्सहेल बना के रखें ज्ञान मुद्रा के साथ, इनहेल एक्सहेल, कभी भगवान ना करे हमारा क्लाइमेट के हिसाब से स्वास्थ्य हमारा अनफिट हो जाए, उस दौरान हमें ये अभ्यास करना है, तब भी आपको फ्री नहीं रहना, लेटना नहीं है कि नहीं अब तो गोलियों के सहारे चलना है, बहुत अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं आप, लंबी गहरी सांस लेंगे एक बार और छोड़ देंगे, राइट हैंड से अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे, ऐसा प्राणायाम है ये भी अनुलोम विलोम, अगर अस्पताल में किसी प्रकार से बुखार के कारण या किसी भी कारण आप एडमिट हैं या कहीं भी हैं तो आप लेटे लेटे भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, और अनुलोम विलोम आपको साइनस से जुकाम से और थोड़ा बोड़ा छींकें जो आती हैं उनसे बचा लेगा पूरा 100%, अगर शालीनता के साथ करेंगे, माता जी ज्वाइन कीजिए अनुलोम विलोम, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को दबाएंगे हल्के से और इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, इनहेल एक्सहेल, फाइव काउंटिंग तक सांस भरेंगे, वन टू थ्री, मुकेश भैया सांस लीजिए और छोड़िए, अनुलोम विलोम कीजिए, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, हाँ अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, आइए अनुलोम विलोम चल रहा है अभी, सांस भरिए और सांस छोड़िए, इनहेल फाइव काउंटिंग तक मनी मन सांस बनाइए, फाइव काउंटिंग तक सांस भरनी है, फाइव फोर थ्री टू वन, होल्ड करना है, फाइव फोर थ्री टू वन, छोड़ना है, वन टू थ्री फोर फाइव, इनहेल वन टू थ्री फोर फाइव, होल्ड, फाइव फोर थ्री टू वन, एक्सहेल वन टू थ्री फोर फाइव, इनहेल वन टू
थ्री फोर फाइव, होल्ड करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, एक्सहेल, वन टू थ्री फोर फाइव, इनहेल, बहुत धीरे धीरे सांस भरना, तेज़ी धड़कना है ना तेज़ी से लेना है, जितनी गहरी सांस भरते हैं उसकी दुगनी स्पीड स्लो में वापस आना चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव, होल्ड करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, एक्सहेल, फाइव फोर थ्री टू वन, रिलैक्स करेंगे दोनों हाथ के नीचे, लंबी गहरी सांस भरेंगे एक बार फिर से और सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथों के थंब को अपने कानों में लगाएंगे और फाइव टाइम ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे, गले और नाक से गहरा वाइब्रेशन होगा, धीरे धीरे गले और नाक से वाइब्रेट करेंगे, लंबा गहरा वाइब्रेट बनाएंगे, जैसे ही फाइव काउंटिंग पूरी हो जाएगी बाएं साइड से करवट लेके बैठ जाएंगे, फाइव टर्न अगर पूरा हो गया है तो बाएं साइड से करवट लेके बैठ जाएंगे, कोशिश करें आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखेंगे और ओम चैंटिंग करेंगे, इस बार थोड़ा चेंज करेंगे, ओ को 30% और माँ को 70%, हाँ एक दो तीन उसके बाद चार कपाल भाती रोक देंगे, क्योंकि एक साथ काफी प्राणायाम करेंगे, घड़ी की सुई हमारी आगे बढ़ रही है, लेटे लेटे कोशिश करें कपाल भाती कर लें, पर ज़्यादातर कोशिश करें बैठ के ही करें तो बेस्ट रहेगा, अनुलोम विलोम के बाद सीधा ओम चैंटिंग करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे, कोशिश करें 70% ओ को खींचेंगे और 30% माँ को, उसी की उल्टी गिनती कर लेंगे, पहले ओ को खींचेंगे 30% और माँ को खींचेंगे 70%, फाइव काउंटिंग बना के रखेंगे, ओ जैसे अभी हमने चेंज किया था कि 30% ओ को खींच रहे हैं और माँ को 70%, अब उसी का ही रिप्लेस करेंगे, अब लंबा गहरा सांस लेंगे, 70% ओ और 30% माँ, फाइव काउंटिंग ही रखेंगे, ओ फाइव टाइम का राउंड जैसे पूरा होता है अंजलि मुद्रा में बैठ जाएंगे, पांचों टिप को एक दूसरे ज्वाइन कर लेंगे,
और थोड़ी देर ध्यान करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे ध्यान की तरफ जाएंगे, अपने अंदर कुछ देर के लिए किसी भी विचार को आने से रोकें या किसी भी विचार को जाने से रोकें। आगे चक्कर में रोकने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर। इनका कहना ये है कि रात का फंक्शन ना हो, थोड़ी टाइम मतलब दोपहर का जो धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से, इतना घिसेंगे कि किसी गर्म पात्र से घिसा भी हमने, और अपनी आंखों पर रखाएंगे हथेली वाले पोर्शन को 3 टाइम उतना ही स्पीड से रखें। एक बार फिर से पूरे शरीर पर रब करेंगे अच्छे से। पूरा फेस को धीरे धीरे आंखों को अपने हाथों के अंदर खोलेंगे। आज के सेशन के लिए हम नमस्कार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। आएंगे सर? अभी आए नहीं आज। वहाँ वहाँ पहुँच रहे होंगे डिपार्टमेंट में, वहाँ भी रेगुलर रहते हैं बहुत। वो लोग बोलते आते नहीं है सर, वहाँ पहुँच नहीं पाते ना, तो सर इधर ही आ जाते थे। हाँ आज ही क्या चाहे तो सैटरडे, कल सर का मंडे, कल संडे में सर।